पिछले 2-3 सालों में जब से पैंडेमिक हुआ है, वॉर हुई है, हम सबने बहुत कुछ खोया है। बहुत करीबी लोग खोए हैं, मन की शांति खोई है, दिल का चैन खोया है, रातों की नींद हमारी उड़ गई है, तो बहुत कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ा। लूजिंग रिलेशनशिप्स, गेटिंग डिसेबल्ड, डेथ ऑफ समवन, बहुत मुश्किल होता है बेयर करना। और हमें उस जर्नी पे फिर भी आगे बढ़ते रहना पड़ता है, दर्द के साथ, एंग्विश के साथ, पेन के साथ। और इस तरह से लगता है कि जिंदगी जैसे पहाड़ बन गई है और उस ऊंचे पहाड़ पर हम सबको चढ़ना है। मैंने खुद अपने जीवन में यही सीखा है, क्योंकि बचपन से अब तक लेकर बहुत एडवर्सिटी का सामना करना पड़ा, बहुत स्ट्रैटेजीज यूज की हैं आगे बढ़ने के लिए, और खुद सोचा कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, हम चाहें तो हम कर सकते हैं, वी कैन नेविगेट थ्रू टफ टाइम्स। बस जरूरत होती है माइंडसेट को शिफ्ट करने की, जो हमें हमारे अंधेरों से निकाल सकता है। माइंडसेट को चेंज करना, हमारी अपनी सोच को चेंज करना और सोचने के तरीके को चेंज करना, ये बहुत जरूरी होता है। हमें रेजिलियंट बनना पड़ता है, सीखना पड़ता है वो लचीलापन जो मुश्किल समय में हमारे काम आ सकता है। सफरिंग तो ह्यूमन लाइफ का हिस्सा है, हम सब जानते हैं, बिना सफरिंग के ह्यूमन लाइफ नहीं। और हम ऐसे एक समय में जी रहे हैं जहां हम हर समय सोशल मीडिया पर इस तरह के मैसेजेस देखते हैं, लगता है कि सारी दुनिया बहुत खुश है, केवल हम लोग ही दुखी हैं। लेकिन इसका ऑपोजिट होता है। ऐसा नहीं होता कि हर वीकेंड को पार्टी होती है, ऐसा नहीं होता कि हर छुट्टियों में बाहर जाया जाता है या पिक्चर्स ली जाती हैं, ऐसा नहीं होता। बस जरूरत है हमें ये देखने की हमें किस चीज़ को अटेंड करना है, हमें किस चीज़ पे फोकस करना है। अनफॉर्चुनेटली हमारा जो एवोल्यूशनरी हमारी हिस्ट्री है, हमें ऐसे बनाया गया है कि हम नेगेटिव पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, और वो इसलिए कि हमें खुद को डेंजर से प्रोटेक्ट करना था। हमारा दिमाग इस तरह से चलता है कि थोड़ी सी चेंज हुई नहीं कि हम उसे एक थ्रेट की तरह देखते हैं, और उस वजह से हम नेगेटिव्स पे ज्यादा ध्यान देते हैं। लेकिन जरूरत है अच्छाई को भी देखने की, अच्छी चीजों को देखने की, पॉजिटिव चीजों को देखने की। सो पेइंग अटेंशन टू पॉजिटिव इज वाइटल एंड इट इज लर्नेबल स्किल, और जब हम इसको सीखते हैं तो रेजिलियंस हमें अपने आप आ जाती है। लेकिन ऐसा करने से पहले हमें ये करना जरूरी है कि हमें सोचना है हमारे विचार जो हैं, हम जो सोच रहे हैं, लगातार दिमाग में जो चीजें घूम रही हैं, या हम जो सोशल मीडिया पे स्क्रॉल कर रहे हैं, वो हमें किस तरह से इफेक्ट कर रहे हैं। क्या हम जो सोच रहे हैं या जैसे एक्ट कर रहे हैं, क्या वो हमें नुकसान दे रहे हैं या हमारा फायदा हो रहा है। जब आप ये इंट्रोस्पेक्ट कर लेते हैं, जब ये सोच लेते हैं, तो आप वापस आकर ड्राइवर सीट पे बैठ जाते हैं, आपके हाथों में फिर से कंट्रोल आ जाता है और आप डिसीजन मेकिंग कर पाते हैं। उस समय डिसीजन मेकिंग में माहिर हो जाते हैं। ये सब सोचना आसान नहीं है, इससे दर्द भी नहीं दूर होता, इट डजंट रिमूव ऑल द पेन, बट व्हाट आई हैव लर्न इज दैट वी कैन लर्न एनीथिंग ओवर आवर लाइफ टाइम्स। दिस विल डेफिनेटली हेल्प अस। जो हमें स्ट्रेस से बाहर निकालना है, जो एक लो फीलिंग से बाहर निकलना है, इस तरह की सोच से एक रेजिलियंस डेवलप करके और खुद से क्वेश्चन आंसर करके, माइंडसेट को चेंज करके, हम क्या सोचते हैं, कब सोचते हैं, कैसे सोचते हैं, ये बहुत ज़्यादा असेंशियल है इस पे फोकस करने की और इसे चेंज करने की।